नमस्कार श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम BA पार्ट वन के अंदर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जो कि हमारा पार्ट था आउटपुट डिवाइसेस का, जिसके अंदर हम मॉनिटर पढ़ रहे थे और मॉनिटर के अंदर देख रहे थे कि अलग अलग टाइप की जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जब हम किसी भी डिस्प्ले की बात करते हैं, जब हम किसी भी मॉनिटर की बात करते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे कोई कहे कि रेजोल्यूशन कितना है इसका, इसकी रिफ्रेश रेट कितनी है, ये ट्राइड कितना है, और डॉट पिच, इंटरलेस, प्रोग्रेसिव कन्वर्ट स्कैन, एनालॉग और डिजिटल स्कैनर, और यू नो एस्पेक्ट रेशियो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले इन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे रेजोल्यूशन के बारे में। रेजोल्यूशन क्या होता है? स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले कुल पिक्सल्स की संख्या को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। कैसे? जैसे मेरा एक ये मॉनिटर है, ठीक है, ये मॉनिटर है मेरा, यहां पर मुझे बहुत सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। जैसे हमने पहले बताया था कि जब डिस्प्ले की हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक बीम आती है या फिर प्लाज्मा जाते हैं और ये आपको प्रदर्शित करवाते हैं। तो ये क्या होता है, छोटे 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 डॉट से बना हुआ होता है, ऐसे ये से आपका ये जो आपका स्क्रीन है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये तो इसमें क्या होगा, रिजोल्यूशन क्या होगा कि एक जो है डॉट्स, अपन यहां से अगर मान के चले तो एक तो इधर से इधर के होंगे, एक इधर से इधर के होंगे, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में होंगे। ये किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होता है, मतलब जितने ज़्यादा इसके अंदर ये पिक्सल्स होंगे उसकी क्वालिटी जो होती है वो उतनी ही बेहतर मानी जाती है, ठीक है। जैसे अपन फुल एचडी की बात करते हैं, 10 1284 × 10 2024, है ना, जैसे 720p का होता है, और कुछ जो अलग अलग टाइप के होते हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। 800 × 600 रेजोल्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि एक पंक्ति के अंदर उसके अंदर 800 पिक्सल, मतलब इस तरीके से इसके अंदर 800 होंगे, इधर इसके 600 होंगे, ठीक है। तो आपको देखो कि दो टाइप के आते हैं, एक आता है इस टाइप का मॉनिटर जो पहले आया करते थे, आजकल जो आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, है ना, अलग अलग साइज दिख रहा है ना इसका। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर ये हो गया 800, ये हो गया आपका 600, ठीक है। मतलब इस एक लाइन के अंदर इसके अंदर 800 पिक्सल होंगे और इस लाइन के अंदर इसके अंदर इसके पास 600 पिक्सल होंगे, और ऐसे ये मिलके बनाएंगे। टोटल पिक्सल की संख्या क्या होगी, 800 × 600, ये क्या होगी आपके टोटल पिक्सल की संख्या। उसके बाद बात करते हैं कि इनको टोटल इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480, ये 480,000 इसके अंदर टोटल पिक्सल की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 720 1080, ये अलग अलग टाइप के आपके पिक्सल की संख्या होती है। पिक्सल की संख्या को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई के अंदर और इसकी चौड़ाई के अंदर उपस्थित पिक्सल्स, एक लाइन में कितने पिक्सल है इसमें, एक लाइन में इसमें कितने पिक्सल है, तो हम क्या कहेंगे, अगर इसके अंदर इधर 800 और इधर 600 है तो हम कहेंगे इसका रेजोल्यूशन है 800 × 600, ये इसका क्या हो गया, रेजोल्यूशन हो गया। तो ये रेजोल्यूशन को हम कैलकुलेट करते हैं और टोटल पिक्सल की संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों को इंटू करेंगे हम, आएगा 480,000।
कैसे आया? 8 को 6 से इंटू किया 48 आया, बाकी 4 जीरो लगे हैं तो 4 जीरो इसके अंदर लग जाएंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि रिफ्रेश रेट क्या होती है। जैसे हमने देखा कि एक कोई भी पिक्सल को अगर जब हम लाइट करवा रहे थे, जब इसको हम डिस्प्ले करवा रहे थे, तो पीछे से एक इलेक्ट्रोड आ रहा था, इलेक्ट्रोड आके उस फॉस्फोर की जो है उस पैनल पे टच हो रहा था, और जैसे ही वो टच हो रहा था उसको वहां पर डिस्प्ले हो रहा था। पर वो क्या होता था कि बार बार वो डिस्प्ले निकल रहा था, मतलब एक बार जगह फिर थोड़ी देर वापस शांत हो जाएगा, फिर जगह फिर शांत हो जाएगा, फिर जगह फिर शांत हो जाएगा। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन को टकराने की जो गति होती है इसे हम कहते हैं रिफ्रेश रेट। चलिए आपकी किताब में क्या लिखा है, जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फोर बिंदु पर टकराती है तो वो बिंदु बहुत कम समय के लिए प्रकाशवान हो जाता है, अतः स्क्रीन पर इमेज को लगातार दर्शाने के लिए स्क्रीन के प्रत्येक पिक्सल पर इलेक्ट्रॉन की बीम को बार बार भेजा जाए, उसको बार बार भेजा जाएगा, ठीक है। स्क्रीन के इमेज को फ्लिकर बिना, मतलब फ्लिकर कैसे कि एक बार कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, हमें ये नहीं करना, हमें ऐसा लगना चाहिए कि लगातार वो बना हुआ है। सोच के देखो कि यहाँ पर एक पिक्सल है, इसके ऊपर एनर्जी आई, ये इतना मतलब वो लाइट हो गई इसमें, अब फिर छोटा होता जाएगा, फिर जैसे इतना सा होगा फिर आप डालोगे तो क्या होगा, यूजर को क्या दिखेगा कि कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। परंतु जब आप लगातार इसके ऊपर डालते रहोगे तो यूजर को, जो देखने वाले यूजर को, तो सिर्फ यही साइज देखेगा, तो उसको लगेगा कि ये चीज वहां पर बनी हुई है, परमानेंटली वहां पर तैयार है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, उसको जो फ्लिकर क्या होता है, जो जबजब करता है इसमें, कैसे जब जैसे ये कम ज्यादा होगा तो जबजब करेगा, तो उस जबजबाहट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लगातार उस पॉइंट पर सेकेंड 30 से लेकर 60 बार उस पर लगातार जो डालते हैं उसे हम कहते हैं रिफ्रेश रेट। आजकल के जमाने में आपका जो फोन है उसकी रिफ्रेश रेट 60 होती है, मेरे फोन की 90 है, आजकल 120 के भी आते हैं और 240 के भी, 240 रिफ्रेश हर्ट्ज होता है इसका, 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के भी आपके पास मॉनिटर्स अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग गेमिंग कंप्यूटर जो होते हैं उनके अंदर लगते हैं, क्योंकि गेम खेलने के लिए आपको बहुत जल्दी और तेज टाइप का रेस्पॉन्स चाहिए होता है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन बीम पूरी तरह स्क्रीन को कितनी बार रिफ्रेश करती है वह उस मॉनिटर की रिफ्रेश रेट कहलाती है। क्या लिखा है वापस समझते हैं अपन, एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम पूरी स्क्रीन को कितनी बार रिफ्रेश करती है, रिफ्रेश मतलब कितनी बार वहां पर टकरा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रेश रेट कहते हैं। किसी मॉनिटर की रिफ्रेश रेट जितनी अच्छी होगी उसकी डिस्प्ले क्वालिटी और रेस्पॉन्स टाइम भी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। आजकल आने वाले मॉनिटर्स में 60 से लेकर 90 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश का या फिर आवर्ती का जो मानक होता है उसे हम हर्ट्ज कहते हैं, बार रिफ्रेश किया जाता है। मैंने आपको बताया 90 पुराने जमाने की बात होगी, 120 और 240 भी इसके अंदर आजकल आने लगे हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं ट्राइड क्या होता है। सीआरटी मॉनिटर में आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी का मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन और ब्लू फॉस्फोर डॉट्स के समूह को ट्राइड कहते हैं। ट्राइड क्यों कहते हैं बताओ, ट्राई मतलब तीन, और अपने पास तीन कौन से हैं, रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी अपने पास है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइड। एक ट्राइड अर्थात फॉस्फोर डॉट्स तीन समूह से मिलकर एक पिक्सल का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, एक हो गया आपका ये रेड, एक आपका हो गया ये ब्लू, एक आपका हो गया ये ग्रीन। ये जो तीनों हैं वो मिलकर क्या करते हैं, वो एक पिक्सल का निर्माण करते हैं,
ताकि जब मैं किसी भी कलर को उसके अंदर प्रदर्शित करना चाहूं तो आसानी से कर सकूं, क्योंकि आपके जितने सारे कलर जो बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं, रेड ग्रीन और ब्लू से। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये आपका एक क्या हो गया, पिक्सल। पिक्सल का जो उपयोग किया जाता है वो एक इसके लिए ट्राइड से मिलकर बना होता है। ट्राइड में कितने होते हैं, तीन होते हैं, R, G और B। ये तीनों मिलाकर क्या करते हैं, एक पिक्सल का निर्माण करते हैं। RGB क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर कलर मॉडल जब आएगा, कलर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर कलर कैसे प्रदर्शित करता है, उसको समझ में क्या आता है, ये सब चीजें। उसके बाद में हम बात करेंगे डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे, ठीक है ना। ये इसके अंदर एक डायग्राम है, क्या लिखा हुआ है कि दो समान रंग के फॉस्फोरस डॉट के बीच के मध्य की के बीच की दूरी को हम डॉट पिच कहते हैं। क्या है, दो समान रंग के, कैसे हुआ दो समान रंग के, R, G और B। अब ये क्या हो गया, एक पिक्सल हो गया आपके, उसके पास एक और दूसरा पिक्सल है, उसमें भी वैसे ही होगा, उसमें भी वही चीज होगी। इसके पास एक तीसरा पिक्सल होगा, उसमें भी वही होगा। अब इन दोनों के मध्य दो जो सेम कलर वाले हैं, क्या लिखा है इसके अंदर, दो समान रंग के फॉस्फोर डॉट के मध्य की दूरी को हम डॉट पिच कहते हैं। इस फॉस्फोर पिच को भी, इसे फॉस्फोर पिच भी कहते हैं। डॉट पिच के मध्य के जो होती है दूरी, उससे हम इस मॉनिटर के क्वालिटी का पता लगाते हैं। डॉट पिच को मिलीमीटर में नापा जाता है, साधारणतः ये 0.15 मीटर और या मिलीमीटर या फिर 0.30 मिलीमीटर के बीच में होता है। अब आप कैसे समझेंगे कि क्वालिटी का कैसे होता है। हमने क्या कहा कि एक मॉनिटर की क्वालिटी इससे निर्भर करती है कि इसके अंदर पिक्सल कितने ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, कुछ पिक्सल यहां पर आपके दिए हुए हैं स्क्रीन पर, जब इस पिक्सल को मैं बड़ा करता हूं, इसको जूम करता हूं, तो पिक्सल का के अंदर क्या है, पिक्सल के अंदर क्या है, ये ट्रायड बने हुए हैं, एक दो तीन, R, G, B। मैंने क्या कहा, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही ज्यादा अपने डिस्प्ले की क्वालिटी होगी। तो आप सोच के देखोगे, इसके अंदर अगर ये चार पिक्सल ही होते तो क्या होता, एक दो तीन चार, R, G, B, R, G, B, R, G, B, R, G और B। अब क्या होगा, इनके बीच की जो दूरी है वो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि कम पिक्सल है तो ज्यादा है इसके अंदर दूरी। अब अगर मैं चाहूंगी मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर पिक्सल कर दूं, ऐसे बहुत सारे ये पिक्सल ही पिक्सल मैंने कर दिए, तो फिर क्या होगा, जैसे ये इसको यहां पर कम में आना पड़ेगा, R, G, B, R, G, B, तो ये देखा आपने। तो अब आपने क्या देखा इसके अंदर कि बहुत, ये तो बहुत ज्यादा दूरी और ये जो दूरी है बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर पिक्सल आ चुके हैं। तो जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी इसकी डिस्प्ले क्वालिटी कम होगी, और इनके बीच में जो दूरी जितनी कम होगी उसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये हमने किस में समझा, डॉट पिच में। तो अब डॉट पिच के बाद में हम बात करेंगे
इंटरलेस और प्रोग्रेसिव स्कैनिंग तकनीक की। ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव स्कैन में जब स्क्रीन पर किसी इमेज को प्रदर्शित करने के लिए स्क्रीन की सभी पंक्तियों को ड्रॉ किया जाता है, जबकि इंटरलेसिंग तकनीक क्या होती है, इसके अंदर सभी जो पंक्तियां होती है उसको एक बार में उसको डिस्प्ले नहीं कराकर एक एक पंक्ति को अलग से डिस्प्ले करवाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि जो आप देखिए आप अपने इस स्क्रीन पर कि इंटरलेसिंग में विषम अंकों वाली जो पंक्तियां हैं उनके ऊपर सम अंकों वाली जो पंक्तियां उसका आउटपुट दिखाया जाता है, इसके अंदर अलग से दिखाया जा रहा है। देखो आप एक दो पर फिर तीन पर, तो ये देखो आप इसके अंदर एक से लेकर तीन तक जा रहा है, रिफ्रेश होकर फिर वो एक से लेकर पांच तक, तीन से पांच तक आ रहा है, इस तरीके से रिफ्रेश होता है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं अपन इंटरलेस तकनीक में एक इमेज को ड्रॉ करने के लिए उसकी विषम संख्या वाली पंक्तियों को ड्रॉ किया जाता है, उसकी विषम संख्या वाली पंक्तियों को ड्रॉ किया जाता है, विषम मतलब एक तीन पांच ऐसे आगे चलता रहेगा, तथा उसमें उसके बाद सम संख्या वाली जो इमेजेस होती है उसको ड्रॉ किया जाता है। इसके अंदर आप देख पाओगे एक एक एंड हुआ, फिर तीन पर आया, फिर तीन पर जाकर पांच पर आया, फिर ये वापस पे जाकर दो प्रिंट किया, फिर उसने चार प्रिंट किया, फिर छह प्रिंट किया, ये इसके अंदर हो रहा है। इंटरलेसिंग तकनीक के साथ इसकी मॉनिटर की जो है रिफ्रेश रेट बढ़ जाती है, परंतु ये एलसीडी मॉनिटर में तकनीक सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती। ये बहुत पुराने जमाने की बातें बता रहे हैं। जैसे आप गेम के अंदर भी जाते हैं, अगर आपके कोई दोस्त मित्र या फिर किसी घर वालों में से किसी ने गेम खेलते हो और पबजी गेम खेलते हो तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स में एंटी इंटरलेसिंग या फिर इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग क्या करता है, आपकी जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपका टेक्सचर होता है गेम का या फिर डिस्प्ले का, उसको स्मूथ बना देता है। स्मूथ मतलब अच्छे से जिस पर कार्य कर सकते हो वो उसको बना देता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की, वो होती है एनालॉग डिस्प्ले और डिजिटल डिस्प्ले। ये क्या होता है, सीआरटी तकनीक पर आधारित सभी डिस्प्ले जो होते हैं वो एनालॉग मॉनिटर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारा काम जो है वो एनालॉग तरीके से होता है। उसके अंदर से बीम निकलेगी, बीम जाके वहां पर टच करेगी, टच करने के बाद उसको डिसाइड करेगी कि क्या प्रिंट होना है। किंतु कुछ मॉनिटर्स को वीडियो अडेप्टर से डिजिटल सिग्नल प्राप्त करने के कारण उन्हें डिजिटल मॉनिटर भी कहा जाता है, जैसे कि एलसीडी या फिर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसे मॉनिटर जो कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल प्राप्त करते हैं एनालॉग मॉनिटर कहलाते हैं, जो डिजिटल सिग्नल प्राप्त करते हैं वो डिजिटल मॉनिटर कहलाते हैं, और जो डिजिटल सिग्नल प्राप्त करते हैं वो वीडियो अडेप्टर जो होता है उसकी सहायता से प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक की, जिसका नाम है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल ठीक है हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल पिक्सल के अनुपात को एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। इसके अंदर 1020 हाइट वर्सेज विड्थ, ठीक है 1024, ये जैसे हो गया 1024 तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जब मैं बात करूंगा ये क्या हो गया इसकी विड्थ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा इसके अंदर इसकी हाइट। तो विड्थ और हाइट का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसका एस्पेक्ट रेशियो। जैसे एस्पेक्ट रेशियो क्या आता है 16:9, आपका जो वीडियो देख रहे हो 4:4:3 1:1, ये जो है वो कैसे, इसका एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं कैसे होगा कि जब मैं बात करूंगा एक इसकी 4:3 की, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 ऐसा अगर कोई डिस्प्ले है आपके सामने तो समझ लो ये क्या है, डिस्प्ले है 4:3 का, जिसके अंदर ये इसकी अलग अलग उसकी हो सकती है। जैसे मैं बात कर रहा हूं 16 की,
जैसे ऐसे जो चपटा बना होता है उसे अपन क्या कहते हैं, 16:9 का जो आपके मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन होती है वो 16:9 की 9 की होती है। एक जैसे हो गया ये वाला एकदम चौकोर आकार का जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, 1:1 रेशो का, 4:3:1:1 और 16:9। आजकल जैसे जैसे फोनों का नोच घटता जा रहा है, फोन के अंदर जो डिस्प्ले जो है वो बड़ा होता जा रहा है, उसी तरीके से इसके अंदर अगले जो है 20:9 भी जो रेशियो है वो भी इसके अंदर काम करता है। बल्कि जो हम वीडियो अभी बना रहे हैं वो 16:9 का वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपके मोबाइल के अंदर आई होप सही ढंग से दिखता होगा आपको। तो ये अलग अलग प्रकार के एस्पेक्ट रेशियो है। एस्पेक्ट रेशियो किसे कहते हैं, आपके जो डिस्प्ले है उसके विड्थ और हाइट के बीच में जो भी रेशियो होता है उसे हम क्या कहेंगे, एस्पेक्ट रेशियो। आई होप आपको ये डिस्प्ले से रिलेटेड बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऐसे नहीं समझ में आएगी आपसे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बुक होती है अपनी बुक को साथ में लेके बैठें और समझें। अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो उसे गूगल पर जाकर सर्च करो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपकी सहायता करूंगा। इसमें बने रहे हैं हमारे साथ, घर पर बैठकर खूब ढंग से पढ़ाई करें, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें, और हो सकता है कि अब कुछ मतलब दिवाली के बाद आई होप कि अपनी क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो मैं आपसे सभी से जो भी पढ़ाया वो सब पूछने वाला हूँ। तो घर पे बैठ के खूब अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें इन चीज़ों की, बने रहें हमारे साथ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।